अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गुरुमा और मैं बनाती हूँ ब्यूटी एंड डीआईवाई ट्यूटोरियल। मेरी लास्ट यूट्यूब वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने अपने 3 साल पुराने शदीद एक्ने का सफ़ाया 1 महीने के अंदर अंदर कैसे किया। मुझे बहुत शदीद स्किन प्रॉब्लम्स थी, तो डू चेक आउट दैट वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। तो इस रिव्यू में आपको पता चलेगा कि फाउंडेशन के प्राइस क्या हैं, इसकी कवरेज कैसी है, ये कौन कौन से स्किन टाइप से वर्क करती है, इसकी लास्टिंग पावर कितनी है और क्या मैं इसको रिकमेंड करूँगी। आज का जो रिव्यू है वो है द मोस्ट अवेटेड रिव्यू, इट्स काशीज एवरटोन हाई कवरेज फाउंडेशन। और इसको आज जो है हम कंपेयर करेंगे, ये है हमारी एस्टी लॉडर फाउंडेशन, ये है हमारी मैक फाउंडेशन, ये भी है हमारी मैक फाउंडेशन। तो सबको मुझे कितनी पसंद है ये फाउंडेशन, ठीक। और ये है हमारी खुदा ब्यूटी फाउंडेशन, इनसे जो है मैं कंपेयर करूंगी हमारी काशिस की फाउंडेशन को, ठीक है। रोज ही बताऊंगी, कौन सी बताऊंगी, सब बताऊंगी, कितनी दफा यूज किया है, क्या है। सबसे पहले तो जिस वक्त ये मुझे रिसीव हुई थी, मैंने ऑर्डर किया था उसके शायद 3 दिन बाद रिसीव हुई थी, तो मैंने इसको लगाया। आई वॉज नॉट ऑनेस्टली बता रही थी, मुझे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि ना पाकिस्तानी ब्रांड सबसे पहले आपके जहन में होता है कि लोकल ब्रांड है, प्राइस तो बिल्कुल सही है। कुछ लोगों को ज्यादा लगेंगे, 2500 इसके प्राइस है, ठीक है। और मैंने इसको लगाए, काफी मतलब पतला फॉर्मूला है इसका, गाढ़ी गाढ़ी टाइप की नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है। इसमें इससे काफी लिक्विडी फॉर्मूला है, लेकिन ये जो है जब आप इसको लगाते हैं तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है, ठीक। यही सेम चीज इसमें है और यही सेम चीज जो है मैक फाउंडेशन में, ठीक है। ये जो एस्टी लॉडर है ये बहुत ज्यादा गाढ़ी है और ये जो है काफी जल्दी सेट हो जाती है। मैक की कंसिस्टेंसी ना ज्यादा गाढ़ा है ना पतला है, इस तरह का है, लेकिन ये भी काफी जल्दी सेट हो जाती है। और तो इसमें भी सेम यही चीज है कि, लेकिन ये इसकी जो है इतनी ज्यादा थिक नहीं है। आप इसको लगाते हैं आपको बिल्कुल लगता है कि लाइट कवरेज से फाउंडेशन होगी, लेकिन जब लगाते हैं तो आपको बस आई वॉज लाइक शॉक्ड। तो आप बहुत थोड़ी सी लेंगे, बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लेंगे इसकी, फिर इस तरीके से बाकी फाउंडेशन वैसे ही काफ़ी कम यूज होती है। इसको सबसे पहली बार जो है मैंने यूज किया था जब एक घर पर आई थी, तो इसको यूज करने के बाद मैंने जाके किचन में खाना बनाया था, फिर उसके बाद मैंने हमारा फ्रिज साफ किया था और मैंने स्टोरी लगाई थी कि मैंने इधर फाउंडेशन लगाई है और इसको करने के बाद मैं ये सब काम कर रही हूँ। उसके बाद कोई रात को 2-3 बजे थे ऐसे, अब फाउंडेशन भी बिल्कुल सही लगी हुई है, मैंने कहा इसको ऐसे ही उतार दूँ, तो मैंने खैर लुक एग्जैक्टली कुछ खूबसूरत नहीं किया था, ये रहा वो लुक जो मैंने किया था अपनी फाउंडेशन हटाने से पहले, बट द फाउंडेशन वॉज इंटैक्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, ख़राब भी नहीं हुई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया था अपनी नंद के निकाह में, और वहाँ पे बारिश भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई थी, छत के ऊपर फंक्शन था, और इतने घंटों के बाद जब रात को 3-4 बजे घर आए, तो घर पे आने के बाद मैंने पिक्चर्स ली, वीडियोज बनाई, और मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये वाली जो फाउंडेशन है मदा ब्यूटी की, ये मैंने लगाई है और इवेंट्स आने के बाद, बल्कि वहाँ इवेंट पे भी नोज के साइड्स पे से और यहाँ पे से खराब हुई। अपने क्लाइंट्स पे मैं ये 2 फाउंडेशन यूज करती हूँ, सही। अब हम कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले तो इन 2 फाउंडेशन का। ये फुल कवरेज है, ये बहुत फुल कवरेज है, इसके साथ मैं कंसीलर यूज करती हूँ, इसके साथ मैंने एक बार भी कंसीलर यूज नहीं किया है। आई डोंट नो वेयर माय कंसीलर्स आर, इन द सारे इवेंट्स जितने भी हुए हैं रिसेंटली, उसमें मेरे बच्चे की बर्थडे में, मेरे नंद के बच्चे की बर्थडे में, 14 अगस्त पे, ईद के 3 दिन मैंने ये यूज़ की है। मेरे पास ये भी है, ये भी है, और इसके अलावा भी बहुत सारी फाउंडेशन है मेरे पास, ठीक। आप यही फाउंडेशन मैं लगाती हूँ, और उसके बाद कंसीलर जैसे अंडर आई एरिया पे लगाते हैं या कहीं निशानों वगैरह, तो मैं क्या करती हूँ बहुत छोटा सा ब्रश लेके बहुत थोड़ी सी फाउंडेशन लेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फुल कवरेज है, ठीक है, और इतनी सी चाहिए होगी आपको। अगर आपको फाउंडेशन के तौर पर नहीं भी लेनी, तो आप इसको कंसीलर के तौर पर ले लो, इतना सारा कंसीलर आपको मिलेगा,
अगर आप लेना चाहें फाउंडेशन एंड कंसीलर के लिए तो इसके दो शेड्स ले लें। वैसे तो मैं यही शेड जो है, क्योंकि मैं एक शेड लाइट कंसीलर लगाना पसंद नहीं करती, तो सेम शेड जो है मैं डार्क सर्कल्स पे या निशानों वगैरह पे बहुत छोटे से ब्रश से लगा लेती हूँ। और जो है जब से ये यूज़ कर रही हूँ उसके साथ मुझे ऑनेस्टली कंसीलर जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। सेटिंग पाउडर आप कोई भी यूज़ कर लें, बहुत अच्छी सेट हो जाती है खुद से ही। आप कोई भी सस्ता महंगा कोई भी सेटिंग पाउडर यूज कर लें, बहुत घंटे तक जो है मेकअप सही रहता है इसके साथ, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। 14 अगस्त को भी जो है 7 बजे मैंने मेकअप करा था, और उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे जो है मैंने वीडियो और पिक्चर्स वगैरह ली और मेकअप में देख के पका था। मैं शीशे में बहुत खुश हुई थी। अभी तकरीबन 1 घंटे पहले मेरी एक क्लाइंट है, उनसे मेरी बात हो रही थी, मैं स्क्रीन शॉट डाल दूंगी। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका हुदा ब्यूटी में क्या शेड है और अंदाज़ा मेरा शेड क्या होगा। तो मैंने उनको एक बड़ा मैंने कहा देखें, मुझे इसको बोलने के पैसे नहीं मिल रहे ना ही मेरा कोई देख रहा है कि मैं किसको क्या रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड की है। जब आपको एक चीज़ मिल रही है 8, 8.5 हज़ार की, और एक चीज़ मिल रही है आपको 2,500 की, और उससे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रही है, इतना ही लंबा लास्ट कर रही है, कंसीलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो आपको वही चीज़ लेनी चाहिए जो आपको सस्ती भी। अच्छा, आई थिंक ये नॉर्मल स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है और ऑयली स्किन के लिए भी बहुत बेहतरीन रहेगी, क्योंकि बिल्कुल भी जो है इस पर मुझे जैसे ऑयल या पसीना वगैरह आता है तो टिश्यू लेके मैं अच्छे से टैप टैप कर लेती हूँ तो बिल्कुल लगता है कि जैसे अभी भी फाउंडेशन अप्लाई हुई है। तो ये ऑयल या पसीना आने से नहीं हटती है फाउंडेशन, ये मैंने कई दफ़ा एक्सपीरियंस है, कि जाहिर इतनी गर्मी है। उस दिन हम लोग आउटिंग पे गए थे और जिस वक्त निकले मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि इतनी धूप थी और कहीं पार्क वगैरह जाने वाला मौसम नहीं था, लेकिन मैं यही लगा के तैयार हुई थी। और उसके बाद पूरा दिन गुजरने के बाद शाम को अल्लाह का शुक्र है फेस बिल्कुल वैसे का वैसा था। तो आई श्योरली रिकमेंड दिस वन, तो आप लें। अगर मेरी रिकमेंडेशन में तो मुझे ज़रूर बताएं कि आप कैसी लगी। और हाँ, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मैं यही बोलूंगी कि थोड़ा मॉइस्चराइजर लगा के यूज़ कीजिएगा, वरना आपको शायद ये ड्राई लगे। जैसे मैंने अभी तक ड्राई स्किन पे ये यूज़ की भी नहीं है तो मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ड्राई स्किन पे भी ये सही रहेगी अगर मॉइस्चराइजर लगा के। आई थिंक मॉइस्चराइजर के बिना थोड़ी खींचेगी, क्योंकि इसकी जो है क्वालिटीज बहुत हद तक एसी लॉडर जैसी हैं, तो ड्राई स्किन पे एसी लॉडर जो है थोड़ी खींची खींची सी लगती है, तो आपको मॉइस्चराइजर या लोशन वगैरह कुछ यूज़ करना पड़ता है। काम में 3 ये फाउंडेशन आ जाएंगे, तो या तो आप स्टील ऑर्डर ले लें या आप काशी ले लें। तो मैं तो डेफिनेटली अब यही यूज करूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं पसंद आ जाती हैं तो फिर उनको रिपीटर पे, जैसे जो मैंने आँख में लगाई हुई है वाइट पेंसिल, वो मेरी एनवाइक्स की पेंसिल है, ठीक है, तो मैं हमेशा एनवाइक्स की पेंसिल लेती हूँ सालों से। इस तरह एसटी लॉडर भी मैंने कितनी दफ़ा ली है, मैं आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी मेरे पास दो हैं और दोनों ही NC25 है मेरे शेड जो है। तो हम इंशाल्लाह मेरे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और मैं यही फाउंडेशन लूँगी। तो बाकी ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं, फर्क जो है वो ये है कि जो काशिश की फाउंडेशन है ये थिक है, ये थिन है, और ये काफ़ी कम अमाउंट में यूज़ होती है, इसके साथ आपको कंसीलर भी यूज़ नहीं करना पड़ता। तो आई रिकमेंड दिस फाउंडेशन। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा, काफ़ी क्विक रिव्यू दिया है मैंने ताकि लोगों का टाइम ज़्यादा ना हो और टू दी पॉइंट में बात करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको हिट करना ना भूलें ताकि आपको जो है न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको पता भी नहीं चलता मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो ये जो नोटिफिकेशन बेल का साइन होता है, इस साइन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे मेरा रुमाज मेकअप डिलाइट, फेसबुक पे मेरा रुमाज मेकअप डिलाइट है। जब मैं ट्यूटोरियल पोस्ट करती हूँ तो वहाँ पे भी मैं बताती हूँ, लिंक शेयर कर देती हूँ ताकि सबको पता चल जाए, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, टेक लॉट्स ऑफ केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।